2021. Will it be Kane Williamson and his Spirit of New Zealand side? Virat Kohli and his dominant Indian team will create history and be crowned the first ever ICC World Test Champions. क्रिकेट प्रेमियों को पिछले कई महीनों से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आज से भारत न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियन का फाइनल मैच खेला जाना है और भारत के पास एक सुनहरा मौका है लंबे टाइम बाद किसी आईसीसी ट्रॉफी को जीतने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव। जी हाँ, भारत ने करीब 8 साल पहले धोनी की कप्तानी में साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट भारत अपने नाम नहीं कर पाया। साथ ही अब कप्तान कोहली की परीक्षा भी होगी कि क्या वो अपनी कप्तानी में भारत को कोई आईसीसी ट्रॉफी जिता पाते हैं कि नहीं, जिसमें अभी तक वे नाकाम ही हुए हैं। विराट के नेतृत्व में टीम 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, लेकिन पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2019 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भी कोहली की टीम हार गई। लेकिन अगर इस टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी कोहली भारत की झोली में ला देते हैं तो भारत एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसकी झोली में आईसीसी की सारी ट्रॉफियां होंगी। इसलिए टीम इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है, देखना होगा उसे वो भुना पाते हैं कि नहीं। इस फाइनल मैच के लिए आईसीसी ने कुछ खास नियम बनाए हैं, जैसे मौसम खराब रहा तो 5 दिन के टेस्ट मैच के लिए 6ठा दिन भी रिजर्व रखा जाएगा। मैच टाई या ड्रॉ होने पर दोनों ही टीमें संयुक्त विजेता होगी। खिताबी मुकाबला ड्यूक बॉल से खेला जाएगा और संयुक्त विजेता होने पर इनामी राशि दोनों टीमों के बीच बांटी जाएगी। इनामी राशि की बात करें तो विजेता को 11,72,00,000 रुपए और उसके साथ एक चैंपियंस गधा का और उपविजेता को 5,86,00,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। मौसम और पिच की बात करें तो शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उसके बाद 20 और 22 जून यानी तीसरे और पांचवें दिन तक वर्षा की भविष्यवाणी है, जबकि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं पिच में अच्छी खासी गति और उछाल बताई गई, जबकि मैच आगे बढ़ाने के साथ साथ स्पिनरों को भी फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों टीमों के बीच मैच साउथैम्पटन के एड्रेस बाउल स्टेडियम में 18 से 22 जून तक खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3 बजे होगा। इस मैच का टॉस होगा और 3:30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र बनी रहेगी। भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की तुलना करें तो दोनों ही बराबर और मजबूत नज़र आती हैं, इसलिए दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% है, यानी मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसलिए पल पल की अपडेट के लिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए।